क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 5 था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले ही करा चुका हूँ। पार्ट 1 में हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक डिटेल में सॉल्व करके रखे हैं हमने, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी के साथ। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। सो बहुत बच्चों ने किया होगा, नहीं किया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है इस एक्सरसाइज का, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए, और क्वेश्चन हमें क्या करना है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस फॉर्म। तो हमें डिस्कंटिन्यूटी फाइंड करनी है या, ठीक है, तो डिस्कंटिन्यूटी फाइंड करें या कंटिन्यूटी, उसके लिए काम तो हमें एक ही करना होता है ना। सो हम लिखें क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स। ये तब है जब एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, और माइनस वन तब है जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी हमें ज़ीरो पे चेक करना है, पता लग रहा है, ठीक, कंटिन्यूटी हमें ज़ीरो पे चेक करना है। ओके, सो देखिए यहाँ पर मॉडुलस का फंक्शन है, ये जो फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ पे देखिए यहाँ मॉडुलस है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस के 1 है। सो देखिए कैसे करना हमें, तो हम क्या निकालेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक करना है, ज़ीरो पे चेक करना है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो रखते हैं, फंक्शन a माइनस h, a क्या होता है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट, पॉइंट हमें किस पे चेक करना है, ज़ीरो। यहाँ लिख भी सकते हैं एट x इक्वल्स टू ज़ीरो पे हम चेक कर रहे हैं, तो ज़ीरो माइनस एच होगा, है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड के लिए माइनस लग जाता है। इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है, लिमिट एफ चेंज टू ज़ीरो, ज़ीरो माइनस एच क्या होता है, माइनस के एच। तो LHL में ज़ीरो पे चेक करें, यानी कि ज़ीरो से कम के लिए, ज़ीरो से कम के लिए हमारा फंक्शन ये है, ठीक है। तो लिमिट एच चेंज टू ज़ीरो, जहाँ जहाँ एक्स से वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, माइनस के एच, हमें माइनस के एच रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें माइनस के एच रखना है, बट क्या, देखिए यहाँ पर भी रखेंगे हम माइनस के एच, ठीक है, ज़ीरो से लेस के लिए फंक्शन ही है। ओके, अब यहाँ ऊपर क्या बचा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस एच, चूँकि मॉडुलस लगा है ना, तो मॉडुलस लगा तो बाहर आके क्या हो जाएगा, एच एच से एच कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, माइनस के वन, इक्वेशन नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिल गई, माइनस के 1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, फंक्शन ज़ीरो प्लस एच, है ना, ज़ीरो पर चेक कर रहे हैं तो ज़ीरो प्लस एच होगा, तो यहाँ हो जाएगा ज़ीरो प्लस एच, यानी कि एच, तो ज़ीरो से बड़े के लिए राइट हैंड पे क्या देखते हैं, LHL में कम पे देखते हैं और LHL पे बड़े पे देखते हैं, जिस भी पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो, तो ज़ीरो से बड़े के लिए, ज़ीरो के लिए भी यही है और ज़ीरो से बड़े के लिए भी यही है, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एक्स की जगह पर एच रखना था, फंक्शन ही हमारे पास डायरेक्ट कॉन्स्टेंट है, तो हम यहाँ पर माइनस वन रखेंगे, एच है ही नहीं जहाँ आपका ज़ीरो रखना है, तो सीधा सीधा माइनस वन आ जाएगा। ऑल्सो जो फंक्शन ज़ीरो पे जो वैल्यू है, देखो इक्वलिटी का भी सिंबल है ना, फंक्शन ज़ीरो पे जो वैल्यू वो भी कितनी है, माइनस वन है। सो आपको पता है LHL RHL और उस पॉइंट पे फंक्शन की तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन, तीनों चीज़ इक्वल होनी चाहिए, तीनों किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, इजीली हो गया पहला क्वेश्चन, मतलब इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आर हमसे बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन का अप्रोच बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन के फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं। 10
गिवन गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये तब है जब एक्स की वैल्यू एक या एक से बड़ी है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन ये तब है जब एक्स की वैल्यू एक से छोटी है। यानी कि हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, वन पे इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। एट एक्स इक्वल्स टू वन यहाँ लिख देंगे प्रॉपर, फिर हम क्या लिखेंगे एल एच एल लिमिट एच टेंस टू जीरो। फंक्शन किस पे चेक कर रहे हो, वन पे, और एल एच एल पे तो माइनस हो जाता है, वन माइनस एच वन पे चेक कर रहे हैं। लिमिट एल एच एल का मतलब वन पे चेक कर रहे हो, तो वन से कम के लिए, कम के लिए मतलब छोटा वाला सिंबल होना चाहिए एक्स की तरफ। तो ये फंक्शन है हमारे पास, तो ये तो फंक्शन है लेकिन एक्स की जगह पे क्या रखना है, वन माइनस एच। तो यहाँ वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वन, अब खोलिए इसको, तो यहाँ से ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के टू ए बी, कोई दिक्कत नहीं, वन प्लस वन टू। अब एच के प्लेस पे क्या रखना है, एंड पे ज़ीरो। जब आप वैल्यू पुट अप करोगे तो लिमिट हट जाएगा, तो यहाँ से ओनली क्या मिलेगा आपको, टू। इक्वेशन नंबर वन मान लिया इसको हमने। अब हम निकालेंगे आर एच एल, तो वही लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन वन प्लस एच, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा के लिए देखना है हमें, एक से ज़्यादा के लिए, आर एच एल में ज़्यादा के लिए देखते हैं। तो बड़े का सिंबल इस तरफ है, तो ये हमारा फंक्शन है, और एक्स की जगह अब हमें क्या रखना है, वन प्लस एच, और प्लस में वन है, ठीक। एच की जगह पर ज़ीरो रख देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, टू। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। नाउ लिमिट ज़ीरो वन पे चेक कर रहे हैं, एक्स टेंस टू वन फंक्शन एक्स, ठीक है, तो लिमिट वन पे चेक कर रहे हैं हम। फंक्शन हमारे पास क्या है, देखो एग्जैक्टली वन पे चेक करना है हमें, एग्जैक्टली वन पे क्या है, ये फंक्शन है एक्स प्लस वन। तो एक्स की जगह पर क्या रखना है, वन, तो वन प्लस वन ये क्या जाएगा, टू, ठीक है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन वन, तीनों इक्वल हैं, देयरफोर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू वन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फंक्शन भी हमारे क्या है, कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। सारे क्वेश्चन एक तरीके से ही होंगे, बस फंक्शन का फ़र्क है, बाकी लॉजिक तो वही है। ये क्वेश्चन है, अब इस पर हमें चेक करना है टू पर, ठीक है, फंक्शन में थोड़ा बहुत चेंज है। क्यूब है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस थ्री, ये तब है जब हमारे पास एक्स की वैल्यू दो या दो से छोटी है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन तब है जब एक्स की वैल्यू दो से बड़ी है। तो दो पे चेक करना है हमें, एट एक्स स्क्वायर टू टू। तो सबसे पहले निकालते हैं आर एच एल, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन किस पे चेक करें, टू पर, तो टू प्लस एच, क्योंकि आर एच एल निकाल रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आर एच एल को पहले निकालना है या बाद में निकालना है, आपकी मर्ज़ी है। अब आर एच एल का मतलब होता है दो से बड़े के लिए, ये बड़े के लिए सिंबल है, एक्स की तरफ बड़ा वाला मुंह है, तो ये फंक्शन है, और हमें एक्स की जगह पर क्या रखना है, टू प्लस एच स्क्वायर है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर टू ए बी, एच की जगह पर ज़ीरो रखेंगे तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, फाइव, ठीक है। अब निकालेंगे एल एच एल,
टू माइनस एच पे चेक करना है, दो से कम के लिए, दो से कम के लिए भी हमारा ये फंक्शन है देखो छोटा वाला इस तरफ है मुँह, तो x की जगह पर हमें क्या रखना है, x की जगह पर टू माइनस एच रखना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला लगा के खोलो इसको, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस थ्री ए बी, फिर आता है a माइनस के बी। ठीक है, और यहाँ तो ऑलरेडी माइनस तीन है, तो देखिए जब मैं h के प्लस पे जीरो रखूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो टू का क्यूब एट आएगा माइनस थ्री, तो ये भी कितना जाएगा फाइव। अब हमें निकालना है फंक्शन की वैल्यू, लिमिट एक्स टेंस टू किस पे काउंट करना, टू पे फंक्शन एक्स, तो एग्जैक्टली टू पे काउंट करना है, एग्जैक्टली टू यानी कि इक्वलिटी का सिंबल, तो ये फंक्शन लेना है हमें एक्स क्यूब माइनस के थ्री, एक्स की जगह पर टू रखो यानी कि एट माइनस थ्री यानी कि आ जाएगा फाइव। तो तीनों एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव। तो लिख दोगे सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन टू ना, फंक्शन टू तीनों इक्वल हैं आपस में, देयर फोर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू टू, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा आंसर, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सेम थोड़ा बहुत फंक्शन का चेंज है, बाकी तो देखो लॉजिक सेम है ना, कोई डिफरेंस है क्या, आपको दिख रहा है क्या, सिर्फ थोड़ा बहुत फंक्शन का ही तो डिफरेंस है, बाकी तो वही क्वेश्चन है। ये तब है जब x की वैल्यू एक एक से छोटी हो, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये तब है जब x की वैल्यू एक से बड़ी हो, किस पे चेक करना है, वन पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल्स टू वन एल एच एल निकालेंगे, एल एच एल मतलब एक से छोटे के लिए, एक से छोटे के लिए ये वाला फंक्शन है, फॉर्मूला क्या हो जाता है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन एक पे चेक करें तो वन माइनस एच। ठीक, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो जहाँ एक्स है वहाँ में क्या रखना है, वन माइनस एच, ये फंक्शन है ना हमारे एक से कम के लिए, तो जहाँ एक्स है वहाँ में रखना है वन माइनस एच की पावर टेन माइनस वन, ये चीज़ है। अब तो इसे खोल नहीं सकते ना, पावर टेन कहाँ तक जाएगा, ये तो बाइनोमियल थ्योरम में लगाना पड़ेगा, तो सीधा सीधा एच की जगह पर ज़ीरो रख दो, किसी की पावर दस हो तो वन ही रहेगा, वन की पावर दस हो तो वो वन ही रहेगा, वन की पावर कुछ भी हो वो वन ही रहता है, तो ये ज़ीरो आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे को ज़ीरो मिली है। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पर, ठीक है, वन प्लस एच, तो बड़े के लिए एक से बड़े के लिए ये फंक्शन है, तो क्या जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एक्स की जगह पर रखना है वन प्लस एच, एच की जगह पर ज़ीरो रख देते हैं, तो ये भी वन आ गया। ठीक है, नाउ लिमिट किस पर चेक कर रहे हैं, वन पर एक्स टेंस टू वन फंक्शन एक्स, एग्जैक्टली वन पर चेक करना है आप, क्योंकि कंटिन्यूस क्या होते हैं, उस पॉइंट पर, उस पॉइंट के राइट साइड पर, उस पॉइंट के लेफ्ट साइड पर, तीनों वैल्यू के उनसे इक्वल, तब जाके वो कंटिन्यूस होते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन एग्जैक्टली वन पर कौन सा है, एग्जैक्टली वन पर ये फंक्शन है, एग्जैक्टली का सिंबल है ना यहाँ पर, एक्स की पावर टेन माइनस वन, तो वन रखिए,
और यहाँ से पता ही लग गया था कि कॉन्टीन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे को मिला था 1, राइट हैंड लिमिट मेरे को मिल रहा है 0, ओ सॉरी 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट मिला था मेरे को 0। तो यहीं से इक्वल नहीं है, तो आगे तो करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो आप क्या लिखते सीधा सीधा, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयर फॉर द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपको लिखना था बस। नॉट कंटिन्यूअस को हम सीधा सीधा एक वर्ड में लिख देते हैं, डिसकंटिन्यूअस। मतलब एक ही है, आप चाहे तो नॉट कंटिन्यूअस बोलो, चाहे तो डिसकंटिन्यूअस बोलो, जो आपको सही लगे। तो ये क्वेश्चन भी आराम से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्या बोल रहे हैं, इज द फंक्शन डिफाइन बाय दिस, ये एक फंक्शन है जो कि इस रूप में डिफाइन किया हुआ है, अ कंटिन्यूस फंक्शन। क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हमसे पूछ रहा है, यानी कि एक चेक करना है हमें किस पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। गिवन फंक्शन एक्स प्लस फाइव तब है जब एक्स की वैल्यू एक या एक से छोटी है, और एक्स माइनस फाइव तब है जब एक्स की वैल्यू एक से बड़ी है। वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1। हमें 1 पे कंटिन्यूटी को चेक करना है, हमें यहाँ से पता लगा, जब लेस देन इक्वल देखे ना उसी पॉइंट पे हमें चेक करना होता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक समझ में आया। अब हमें निकालना है LHL। तो LHL के फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन 1 माइनस एच, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं, और LHL का मतलब एक पे चेक करो तो एक से कम के लिए देखना है, एक से कम के लिए ये वाला फंक्शन है। तो x की जगह पे क्या रखना है मेरे को, 1 माइनस एच, एच की जगह पे 0 रखो तो ये कितना आ गया, 6। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब निकालते हैं RHL। ठीक, अब एक से बड़े के लिए देखना है RHL में, एक से बड़े के लिए ये फंक्शन है, तो यहाँ पर भी रखेंगे हम, एच की जगह पे क्या करना, 1 प्लस एच, तो एच की जगह पे 0 रखो, 1 प्लस 0 माइनस 5, यानी कि यहाँ से आगे माइनस के 4। तो देखो LHL 6 आ रहे हैं, RHL माइनस के 4 आ रहे हैं, तो ये इक्वल है, नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। ये हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक हो गया, ये आंसर भी आ गया, बहुत इजी था। तो देख रहे हैं क्वेश्चन का जो तरीका है, हर एक क्वेश्चन एक ही वे में हो रहा है ना, कुछ नया आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए इन क्वेश्चनों में क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइन बाई दिस फॉर्म। हमें इन फंक्शन की कंटिन्यूटी को पता करना है कि है या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को जरा ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब हम कंटिन्यूटी निकालते हैं किसी भी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर और उसके अगल बगल, मतलब ये है ना, इस पॉइंट पे अगर मेरे को कंटिन्यूटी निकालनी है तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के लेफ्ट राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो LHL RHL हम निकालते हैं ना, वो उसके नेबरहुड्स होते हैं, उन सभी पॉइंट्स पे वो आप एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है, तभी हम उस पॉइंट को कंटिन्यूस बोलते हैं। तो अगर आपको किसी पॉइंट पर पता करना है ना, तो उसका उससे मतलब LHL निकालने के लिए, उस पॉइंट से कम के लिए, उस पॉइंट से
ग्रेटर के लिए और उस पॉइंट पर तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है उसको ज़रा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या है, बोलेगा नहीं कि किसे वन पर चेक करो टू पर चेक करो, आपको गैस करना पड़ेगा, क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ ज़ीरो से ग्रेटर के लिए बट ज़ीरो से लेस के लिए कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ से वन से छोटे के लिए और वन से बड़े के लिए भी, यानी कि वन पर चेक करना है मेरे को। फिर देखो तीन से छोटे के लिए भी है और तीन से बड़े के लिए भी है, तीन पे भी चेक करना है मेरे को। फिर यहाँ टेन से सिर्फ छोटे के लिए लेकिन टेन से बड़े के लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि मेरे को कंटिन्यूटी जो चेक करनी है वो वन पे और थ्री पे चेक करनी है। ठीक है, हमें वन पे और थ्री पे चेक करनी है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये फंक्शन है हमारे पास, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। थ्री, वैसे क्वेश्चन तो बड़ा आसान है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन दे दिए आपको, है ना, काम इसने आसान कर दिया। इफ़ ये तब है जब एक्स की वैल्यू इतनी है ठीक है। तो सबसे पहले हमें, या फिर एक ट्रिक बताऊं तो, जो नंबर आपको दो दो बार दिख रहे हैं उस पर चेक करना है। वन दो बार दिखा, तीन दो बार दिखा, है ना, चेक करो आप उन पर। तो देखिए एट एक्स इक्वल्स टू वन, मैं वन पर चेक कर रहा हूँ पहले। सबसे पहले निकालूंगा मैं एल एच एल, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन वन माइनस एच। ठीक है, वन माइनस एच ही लिखेंगे हम क्योंकि एल एच एल निकाल लें। एक से कम के लिए एल एच एल है ना, एक से कम के लिए फंक्शन क्या, देखो एक से कम के लिए, ये एक से कम के लिए छोटे तन वाला मो एक्स की तरफ है तो ये फंक्शन है। तो सीधा सीधा आप तीन लिखेंगे क्योंकि एच तो है ही नहीं, जहाँ मैं एच की जगह ज़ीरो रखूँ तो ये तीन है। तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, तीन है। ठीक है, अब आ जाओ आर एच एल पे। आर एच एल क्या है मेरे पास, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन वन प्लस एच, यानी कि एक से ज़्यादा के लिए, एक से ज़्यादा बड़ा वाला मुंह एक्स की तरफ है तो कौन सा फंक्शन आएगा, फोर। एच है ही नहीं जहाँ मैं ज़ीरो रखूँ तो सीधा तो फोर आ जाएगा। तो आप खुद देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट तीन आ रहा था और राइट हैंड लिमिट फोर आ रहा है तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा वन पर, सिंस एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, देयर फॉर इट इज नॉट कंटिन्यूस। नॉट कंटिन्यूस लिखो या डायरेक्ट डिसकंटिन्यूस लिखो, आपकी मर्जी है। तो वन पे तो भाई ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, अब इसी सिमिलर अप्रोच के साथ आपको थर्ड पे भी चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू थ्री, और मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, थ्री पे भी ये डिसकंटिन्यूस आएगा, यानी कि नॉट कंटिन्यूस आएगा। क्यों, आप खुद देखो, ये खुद से करना, तीसरे के लिए आपको खुद करना है, तीसरा वाला पार्ट आप खुद करके बताना, मैं बता ही दे रहा हूँ। देखो तीन से लेस के लिए जब आप करोगे तो आपको फोर मिलेगा और तीन से ग्रेटर के लिए आप करोगे तो आपको फाइव मिलेगा। फोर और फाइव आपस में इक्वल है ही नहीं तो ये आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। आराम से हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए कितने पॉइंट मैंने बोल, जो मैंने ट्रिक क्या बोला, जो पॉइंट आपको दो बार दिखे उस पर आपको चेक करना है। ज़ीरो दो बार दिख रहे हैं, एक दो बार दिख रहे हैं, यानी कि ज़ीरो पे भी चेक करना है और वन पे भी चेक करना है हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, गिवन टू एक्स तब है जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से छोटा है, ज़ीरो तब है जब एक्स की वैल्यू इनके बीच में लाई कर रही है। ठीक ये है,
तो ज़ीरो पे चेक करना है और वन पे चेक करना है। पहले ज़ीरो पे चेक करते हैं, एट एक्स इज कस्ट टू ज़ीरो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ज़ीरो पे चेक करेंगे तो ज़ीरो माइनस एच। इन शॉर्ट, ज़ीरो में से एच माइनस करोगे तब को क्या मिलेगा, फंक्शन माइनस एच, ठीक है। मतलब एक्स की जगह पे मेरे को माइनस एच रखना है, ज़ीरो से कम के लिए, एल एच निकाल लें ना, तो ज़ीरो से कम के लिए, तो ज़ीरो से कम के लिए ये फंक्शन है मेरे पास, ठीक। तो जहाँ एक्स है वहाँ पर मैं क्या रखना, माइनस के एच रख दिया, और एच की प्लस पे क्या रखना, ज़ीरो। तो टू इंटू ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो मेरा ज़ीरो आ गया। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट वही चीज़ है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन ज़ीरो प्लस एच, यानी कि ज़ीरो से ज़्यादा के लिए। ज़ीरो प्लस एच मतलब प्लस का एच, ज़ीरो से बड़े के लिए, तो ज़ीरो किससे बड़े के लिए वाला फंक्शन है, तो डायरेक्ट क्या आ रहा है, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो आ रहा है। फिर आपको क्या निकालना है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ज़ीरो से कम के लिए भी होगा, ज़ीरो से ज़्यादा के लिए भी होगा, एग्जैक्टली ज़ीरो पे क्या होगा, एग्जैक्टली ज़ीरो पर, ये एग्जैक्टली ज़ीरो का सिंबल है, ये एग्जैक्टली ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो एग्जैक्टली ज़ीरो पे भी क्या आ गया, ज़ीरो। तो आप क्या कहेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन ज़ीरो तीनों इक्वल हैं, देयरफोर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल वे में करा रहा हूँ, आपको एग्जाम में इसी तरीके से ही करना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अब हम किस पर चेक करेंगे, वन पर। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन वन पर चेक कर रहे हैं तो वन माइनस एच। अब एक से कम के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट में कम देखा जाते हैं, एक से कम के लिए, छोटा वाला मुंह इस तरफ है एक्स की तरफ, तो कम के लिए फंक्शन क्या है मेरे पास, ज़ीरो, डायरेक्ट आ गया ज़ीरो, इसे इक्वेशन वन मान लिया। फिर हम निकालेंगे आर एच एल, लिमिट एस टू ज़ीरो फंक्शन वन प्लस एच होगा आपकी बार, मतलब एक से ज़्यादा के लिए देखना है, एक से बड़े के लिए ये फंक्शन है फोर एक्स। एच की जगह पे क्या रखना है, देखो एक्स की जगह पे क्या रखना, वन प्लस एच रखोगे, फोर वन प्लस कि एंड पे लिमिट रखना होता है हमें, जब आप लिमिट रखोगे तो फिर यहाँ लिमिट नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फोर। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे को ज़ीरो मिला और राइट हैंड लिमिट मेरे को फोर मिला, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, सिंस एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, देयरफोर इट इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू किस पर, वन पर। तो एक पॉइंट पे कंटिन्यूस आया था, दूसरे पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूस। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल उसी तरीके से है कि नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से है। चलिए करते हैं। अब इन वीडियोस में मैं कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं रहा हूँ, आपके ऊपर भी होमवर्क भी नहीं दे रहा हूँ। पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, मैंने होमवर्क दिया था और पूरी वीडियो मैंने 1 घंटे 50 मिनट में पूरी एक्सरसाइज कवर कर दी थी, तो सोच सकते हैं कितना जल्दी पढ़ाया था और कई क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। इसी वजह से मैं इन वीडियोस को रीशूट कर रहा हूँ और धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ सकें
आप पे मैं कोई भी लोड नहीं दे रहा। 16 क्वेश्चन में फंक्शन एक्स हमारे पास है यहाँ -2, तब है जब एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है, इक्वल है। क्वेश्चन वही है, तरीका वही है, थोड़ा सा फंक्शन चेंज किया है। तो मैंने ट्रिक क्या बताया, जो पॉइंट आपको दो बार दिखे उसी पॉइंट पे आपको चेक करना है। -1 -1 दो बार, 1 1 दो बार, तो -1 और 1 पे चेक करना है। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं किस पर, -1 पर, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट -1 -h। ठीक है, -1 से कम के लिए, कम के लिए मतलब छोटा वाला, छोटा वाला मुंह होना चाहिए एक्स की तरफ, तो ये -2 आ जाएगा डायरेक्ट। कांस्टेंट फंक्शन है, डायरेक्ट लिख दो। अब RHL निकालो, मतलब -1 से ग्रेटर के लिए, -1 से बड़े के लिए, तो ये -1 से बड़ा, -1 क्योंकि बड़ा वाला मुंह एक्स की तरफ है, तो ये फंक्शन है 2x, मतलब x की जगह पे आपको क्या रखना है, -1 + h। एच की जगह पे 0 रखेंगे तो 2 × -k1 - -k2, तो लेफ्ट हैंड LHL भी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 आया था और राइट हैंड लिमिट भी -2 आए हैं, यानी कि कंटिन्यूस हो सकता है अगर फंक्शन की वैल्यू भी उसके इक्वल आ जाती है। तो किस पे चेक कर रहे हैं, -1 पर फंक्शन एक्स। एग्जैक्टली -1 पे क्या है, एग्जैक्टली -1, एग्जैक्टली का सिंबल दिख रहे हैं, -1 क्या है, फंक्शन की वैल्यू -2। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हैं, ठीक है, तीनों इक्वल हैं। अच्छा, -2 थोड़ी ना, -1 पर चेक कर रहे हैं, तीनों किसके इक्वल है, -2 के। देयरफॉर कि -1 पे तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। -1 पे चेक कर लिया हमने, अब आ जाऊँ, अब मुझे किस पे चेक करना है, 1 पर, एट x = 1 पर। सबसे पहले हम निकालेंगे LHL, ठीक, तो क्या होगा, लिमिट 1 पे चेक करें तो 1 - h, LHL में कम पे देखते हैं, 1 पे चेक करें तो 1 से कम के लिए, 1 से कम के लिए दिख रहा छोटा वाला सिंबल, तो ये फंक्शन होगा हमारे पास 2x, और x की जगह पे क्या रखना है, 1 - h। अब h की जगह पे हमें क्या रखना है, यहाँ पे 0 लिमिट, तो ये आ गया 2, ये मिल गया हमें 2। अब हमें निकालना है RHL, वन पर चेक करें तो 1 + h। RHL में 1 से ग्रेटर के लिए देखा जाता है, तो 1 से ग्रेटर ये फंक्शन है, ठीक है, 1 से बड़े के लिए डायरेक्ट 2। LHL भी 2 आया था, RHL भी 2 आया है, तो अब हम देखेंगे फंक्शन पे एग्जैक्टली कितना देता है। एग्जैक्टली 1 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, यह है ना एग्जैक्टली का सिंबल, इक्वलिटी का सिंबल, 2x आएगा, रखो x के प्लस पे 1, 2 × 1 यानी कि 2। तो देखो LHL, RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू इक्वल है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो 1 पे भी क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस
तो ये जो दिया गया फंक्शन वो क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। अब आ रहा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये जो 17 है, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 18 भी इम्पॉर्टेंट है, जिन पे मैंने टिक कर रखा है ना वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो ये समझना है ना आप। क्वेश्चन नंबर 17 में आते, कह रहे हैं फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइन बाई, ये जो फंक्शन नंबर डिफाइन है वो कंटिन्यूस हो जाए एक्स इक्वल टू 3 पर। मतलब एक्स इक्वल टू 3 पर वो कंटिन्यूस है, उस केस के लिए आपको इस ए और बी जो अननोन वेरिएबल है यहाँ पर उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है वो आपको बताना है। ठीक है, पहले ही बोल रखा है कंटिन्यूस। अब यहाँ से नोट करके लिख लो, नोट देखो, इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट, सपोज करो एक्स इक्वल्स टू ए पर, देन क्या होता है हमारे पास, देन हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों इक्वल होती हैं, ये हम जानते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब पहले से ही कंटिन्यूस बोल देगा ना, तो कभी कभी हम इसको इसके इक्वल रख देंगे तो बात बन जाएगा, या फिर इसको इसको रख दो तब भी बात बन जाएगी, या फिर इसको इसको इक्वल रख दो तब भी बात बन जाएगी। सो इट्स अप ऑन टू यू, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज़ को अप्लाई करते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, सिर्फ RHL निकालने से बात बन जाएगी, सिर्फ LHL निकालने से बात बन जाएगी, तो उस केस में हमें क्यों ज़रूरत है। अगर आपका 10 सेकंड भी बचता है, 20 सेकंड भी अगर बचता है, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मैथ पेपर में। टाइम इज़ वेरी की फॉर अस, है ना। सो जहाँ पर जितनी ज़रूरत है उतना ही करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा करने से आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, जितना पूछा जाए आपको उतना ही करना है। 10 सेकंड भी बचे इट इज़ यूज़फुल। अब देखिए, ये फंक्शन ने एक्स इक्वल टू 3 पर पहले ही क्या बोल दिया, कंटिन्यूस। बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको पता ही है सेटअप का काम चल रहा है, मैं भी सुबह से काम ही कर रहा था, जैसे ही ब्रेक मिला लंच ब्रेक तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, अभी तभी मेरे हाथ नाखून गंदे हैं। चलिए 17 क्वेश्चन पे आते हैं। फंक्शन क्या है हमारे पास, ये ए एक्स प्लस 1, ये तब है जब x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है, और बी एक्स प्लस 3, ये तब है जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है। और हमें पहले ही बोल रखा है सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू 3 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और हमें क्या पता करना है, एक रिलेशन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एस टेंस टू 0, 3 पे चेक कर रहे हैं तो 3 माइनस एच, ठीक है। तो LHL का मतलब होता है 3 से कम के लिए, 3 से कम के लिए ये फंक्शन है, छोटा वाला मुंह है, और x की जगह पर मैं क्या रखना, 3 माइनस एच, एच की जगह पर एंड पे 0 रख दो, तो ये हो जाएगा 3a+1। RHL निकालो, RHL में प्लस लग जाता है यहाँ पे, 3 पे चेक कर रहे हैं। अब 3 से बड़े के लिए, 3 से बड़े के लिए ये फंक्शन है, x की जगह पे क्या रखना, 3+h, एच की जगह पे 0 रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा 3, तो यानी कि 3b+3। हमें ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो देखो सिंस
फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इतनी सी बात बन जाएगी। फंक्शन 3 पे वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एल एच एल कितना आया था हमारे पास, 3a प्लस 1। आर एच एल कितना आया था, 3b प्लस 3। ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर के माइनस का, सो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन वी वॉन्ट, है ना। a और b के बीच में क्या रिलेशन हो सकता था, यही हमसे पूछा था, निकाल दिया हमने। सो आप लिख दो, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, आंसर। ठीक है, सो काम शुरू हो गया गाइस। मैं तो और बनाना चाहता था बट आवाज़ आएगी तो डिस्टर्बेंस होगा तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। सो यहीं हम स्टॉप करते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। और बेहतर प्रिपरेशन के लिए हमारा मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन करें।